हेलो गाइस, गाइस आज मैं आपको ना इस तरह की ब्लैक ब्लैक शेडो बनी हुई है ना फोटो खींचे, इस तरह की फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो आपको भी जानना है इस तरह की फोटो एडिट कैसे होगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारे वीडियो को कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो आपको इस तरह की फोटो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सिंपली आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं, पिक आर्ट एप्लीकेशन सर्च करने का, तो उसे डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अपने चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर। आपको सिंपली अपना पिकार्ट ओपन कर लेना है। पिकार्ट ओपन करने के बाद आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, एडिट ए फोटो, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में जितने भी फ़ोटो हो यहाँ पर शो करेंगे। जिस फोटो में आप ब्लैक शेडो डालना चाहते हैं उस फोटो का चूज कर लेना। फोटो चूज करने के बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद साइज में जाना है। साइज में जाने के बाद आपको जो आपका साइज हो फोटो का, उस फोटो को थोड़ा ज़्यादा कर देना। मैं कर देता हूँ, वो आप वैसे ज़्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि फ़ोटो का जितना साइज होता है इतना ही कर पाओगे, पर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको नीचे आना, आगे बढ़ना है और स्लाइड करके और आगे जाना है। जाने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा है ड्रे, इस पर क्लिक करना है, जिसको बोलते हैं ड्रो टूल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, तीन डब्बे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको ब्लैक सी एक लेयर दिख रही है ना, इस पर क्लिक करके और यहाँ कलर का ऑप्शन है, इस कलर पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर वाइट कलर चूज करना है। वाइट कलर चूज करने के बाद आपको राइट कर देना है, तो ये वाइट हो जाएगा। तो ये वाइट कलर जो लेयर है इसे हमको कर देना है अपने फ़ोटो के लेयर के नीचे। तो ये हो चुका है। तो हमें अपना फ़ोटो पर क्लिक करनी है। फ़ोटो के लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको ये तीन डॉट दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोटो कर देना है थोड़ा दोनों उंगलियों से छोटा। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आप एडजस्ट कर लेना अपना फ़ोटो। तो मैं अपना फ़ोटो एडजस्ट कर लेता हूँ, काम अच्छा लगेगा मेरा फ़ोटो, क्योंकि उसी हिसाब से करेंगे ना। हो जा, मुझे मेरा फ़ोटो थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो मैं अपने फ़ोटो कर लेता हूँ डन। डन हो जाने के बाद आपको फिर ये तीन डब्बों पे जाना है, चौपन के डब्बे में। इसको जाने के बाद आपको फिर यहाँ एक प्लस का आइकन पे जाना है। इस प्लस पे जाने के बाद आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, इसको क्लिक करके आपको एम्प्टी लेयर हो चुकी है। तो इस एम्प्टी लेयर का यहाँ से कलर आपने आके इसको कर देना ब्लैक कलर और वाइट कर देना। राइट करने के बाद जो ब्लैक कलर की लेयर है इसे हमें अपने फ़ोटो के नीचे रखना है, मतलब वाइट लेयर और अपने फ़ोटो के बीच में। इसे बीच में रखने के बाद हमें अपने फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड में दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे फ़ोन में ऐसा ये ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड सा दिखेगा। तो वीडियो अगर बढ़ने से पहले वीडियो को पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ये मर्ज का ऑप्शन दिखा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा फोटो मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद आपको ये जो यहाँ पर नीचे ओपेसिटी दिख रही है 100 है, ये देखो जब कम हो गई ज़्यादा होगी, तो इसे हम थोड़ा कम कर लेंगे। इसे कर लेंगे हम 80 के लगभग, 80 के लगभग करने के बाद हम फिर थ्री डॉट पर जाते हैं। जाने के बाद ये मर्ज का ऑप्शन है, फिर से मर्ज कर लेते हैं। और अभी वीडियो छोड़ कर जाओ मत, अभी सारा काम तो रह गया है। तो हम ये राइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और ये इस पर क्लिक करके इसे डन कर लेते हैं। डन करने के बाद हमको ये ऐसा हो गया। अब आप ये मत बोलना कि भाई ये अभी इतना खास नहीं लगा, अभी बताऊँगा आपको। इफेक्ट में आना, इफेक्ट में आने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पर आप चेक कर लेना, यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, ब्लर पे आना। ब्लर पे आने के बाद आपको ये फर्स्ट नंबर पे ये इस पर क्लिक कर देना है, ब्लर हो जाए। ब्लर होने के बाद आप अपना इसे अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर अच्छा लगेगा मुझे। तो मुझे यहाँ पर 15 पर अच्छा लग रहा है 15 पे, तो मैं इसे डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद आपको फिर से स्लाइस करते हुए नीचे जाना है। ये ड्रो दिख रहा है ना, यहाँ पर पहले गए थे, इसी टूल में आ जाना है। तो मैं
चलता हूँ इसी टूल में। इस टूल में आने के बाद आपको बॉक्स पर आने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना है और देख लेना आप कहाँ एक एम पी टी लेयर है। इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो जाएगा। हटने के बाद आपको यहाँ एड ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और ये फोटोज को क्लिक करना है। और फोटोज को क्लिक करने के बाद आपको अपना वो ही फ़ोटो जो आप कर रहे थे उस फोटो को दोबारा से ले लेना। उस फोटो को दोबारा से लेने के बाद राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको ये जो कोने है ना, इन कोनों को पकड़ के आपको अपना फ़ोटो इस तरीका से बड़ा करना है। आप थोड़ा हुई है ना, और फिर ऐसे हाथ से ऐसे इस टाइप से आप चेक कर लेना अपना फ़ोटो आपका कहाँ पर चलेगा। मैं अभी देख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना अपना फोटो अपने आप ही होगा। वहाँ पे एक पोज ज़्यादा अच्छा लगा तो आपको आप अपना एडजस्ट करके आपको डन कर देना। डन करने के बाद आप देख सकते हो आपका फोटो पहले ऐसा हो गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है और ये आपका फोटो यहाँ से लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना। यहाँ आपका साइज आ जाएगा, क्लियरिटी 100 का रखना और MB या JPEG फोटो आपको सेव कर देना। सेव होते ही ये आपका फोटो LD में सेव हो जाएगा और आपको सीधा अपने होम स्क्रीन पे आना। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपनी गैलरी ओपन करनी है। गैलरी ओपन करने के बाद आप देख आपको एल्बम या कहीं कुछ भी देख लेना। आपको जहाँ फोल्डर आते हैं फोल्डर में आ जाना। फोल्डर में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक पिकार्ट के नाम से रहा। इस पिकार्ट पर क्लिक करना और जो आपने जो फ़ोटो बनाया है वो इस ये रहा। आप देख सकते हो फोटो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो आप देख सकते हो फोटो में कितनी अच्छी शॉर्ट शैडो आ रही है। आप देख सकते हो पीछे ऐसा लग रहा है कि हमने पीछे कोई फ़ोटो छुपा रखा है, मतलब अच्छी तरह से शैडो बनी हुई है फ़ोटो की। तो आप देख सकते हो सिंपली इस तरह की फ़ोटो एडिट हो जाने के बाद आप अन्य सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर सकते हो। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो।